नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 10 मई तक शिक्षण संस्थान बंद, शादी में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग, सामूहिक भोज कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध। हिमाचल में कोरोना के 1096 मामले, 1109 हुए ठीक, एक्टिव केस 16000 पार। हिमाचल में कोविड-19 प्रबंधन की निगरानी करेगी 4 कमेटियां। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की सरकार से मांग, बैंकों की ईएमआई हो स्थगित, माफ हो ब्याज। 40,000 रिश्वत लेते एमईएस सुबाथू का एसडीओ गिरफ्तार, फायर रेंज की रुकी पेमेंट के चलते मांगे थे पैसे। कांगड़ा में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए निजी अस्पतालों से सरकार ने मांगे 50 बिस्तर। ऊना में पारा 40 डिग्री पार, 6 जिलों में अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी बंदिशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में नहीं बुलाया जा सकता। इससे पहले 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था। शुक्रवार को इस संदर्भ में लिखित आदेश जारी होंगे। शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी। शादियों में धाम यानी सामूहिक भोज पर अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शादियों में डीजे बजाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। हिमाचल में आज कोरोना के 1096 नए मामले सामने आए हैं। आज अब तक 22 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 9, मंडी, शिमला, सोलन में 3-3, चंबा और सिरमौर में 2-2 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 94,985 पहुंच गया है। अभी 16,041 एक्टिव केस हैं। अब तक 77,444 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,429 है। कोरोना रिकवरी रेट 81.53% पहुंच गया है। कोरोना डेथ रेट 1.50% है। शिमला में 280, कांगड़ा में 199, सिरमौर में 186, सोलन में 121, हमीरपुर में 87, चंबा में 82, बिलासपुर में 79, मंडी में 61 व किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों पर निगरानी के लिए 4 कमेटियों का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव ने इन समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें लॉजिस्टिक कमेटी, कोविड-19 रोगी एवं एम्बुलेंस प्रबंधन समिति, सीएसआर कमेटी और मीडिया कमेटी शामिल है। लॉजिस्टिक कमेटी में एचपीएसडी, ईडीसी के प्रबंधन निदेशक अरिंदम चौधरी को संयोजक, कोविड-19 मरीज एम्बुलेंस प्रबंधन कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एसएसओ डॉक्टर राजेश ठाकुर को समन्वयक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समन्वय कमेटी में शहरी विकास निदेशक आबिद हुसैन को समन्वयक, मीडिया आईईसी कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल को समन्वयक बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड-19 के चलते प्रदेश में बिगड़ते हालातों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने यदि बेहतर प्रबंधन किया होता तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुकेश ने कहा कि दिल्ली की जनता को देखने के लिए दिल्ली की सरकार मौजूद है। हिमाचल सरकार अपने नागरिकों का ख्याल रख ले, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुकेश ने वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर भी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते बैंकों से लिए ऋणों की फिलहाल ईएमआई स्थगित करने और बढ़ते ब्याज को माफ करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है और लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि वो बैंकों से लिए गए किसी भी कर्ज की अभी ईएमआई अदा कर सके। राठौर ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले साल की भांति इस बार भी लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। हिमाचल प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी, पर्यटन और इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट से ही है। इससे जुड़े सभी व्यवसायियों ने किसी न किसी रूप में बैंकों से ऋण ले रखे हैं। विजिलेंस की टीम ने हिमाचल के सोलन जिला में एमईएस सुबाथु के एक एसडीओ को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एसडीओ फायर रेंज की रूकी पेमेंट को पास करने के एवज में ठेकेदार पैसे मांग रहा था। ठेकेदार की शिकायत पर विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। सुबाथु में ही फायर रेंज बनाई गई थी, इसका काम एक ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार की करीब 9 लाख की पेमेंट रुकी हुई थी। एसडीओ पेमेंट को पास करने के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस से कर दी। शिकायत मिलने के बाद डीएसपी विजिलेंस संतोष शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपी एसडीओ को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। एसडीओ गंभरपुल में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर ने राज्य में कोविड 19 की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय राज्य में 16,000 से अधिक संक्रमित हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला राज्य के सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर संक्रमण भी अधिक है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ के निजी अस्पताल सिटी, अपोलो, बालाजी व विवेकानंद अस्पतालों में मौजूद बिस्तरों की क्षमता का 50% कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए लिया जाएगा। हिमाचल में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऊना में पिछले कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। कांगड़ा में 36, मंडी, नाहन, सुंदरनगर, हमीरपुर व बिलासपुर का 35 डिग्री क्रॉस कर गया है। आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलंग का सबसे कम 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ताजा अपडेट के अनुसार मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज से मौसम खराब रहने का अनुमान है। 3 मई तक उक्त क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 4 और 5 मई को पूरे हिमाचल में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।